कॉन्सेंट्रेशन का सर टेंपरेचर के हो गया। तो चलो आगे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्टर ध्यान दो, अल्टर मतलब बदल देता है, अल्टर द रेट ऑफ एक्शन। बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ऑफ चेंजिंग पाथ ऑफ रिएक्शन। चेंजिंग पाथ ऑफ रिएक्शन ध्यान देना, ये आर एपी है और हम कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ये ऐसे रिएक्शन हो रहा है कैटलिस्ट लेंगे तो हो सकता है कि पाथ ऐसा हो जाए, मतलब ये बैरियर एनर्जी बैरियर हमको बताइए, एनर्जी बैरियर का सही ये एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर नीचे आ गया। जैसे मान लो कोई सिलेक्शन हो रहा है, आप कोई कहे कि यहाँ से गेंद तक कूदोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कोई ऐसा कारक आ गया कि आप यहीं से यहीं तक कूदोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बैरियर नीचे तक कर दिया गया तो आप ज्यादा बच्चे कूद जाएंगे, अब तो बैरियर ज्यादा लोग क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन कहा गया कि गेट पर कूदोगे, पहले तो गेट पर कूदना था, फिर कहा गया कि यहाँ से कूदो, कोई दूसरा अधिकारी आ गया कहा वहाँ बरामदे पर कूदना है कम कूद, तो और कम लोग कूद पाएंगे, ठीक है जी सर। तो जो कैटलिस्ट होता है पाथ को बदल देता है, अच्छा जो बैरियर को खींच के आगे लाया है उस अधिकारी को अच्छा मानोगे जो पीछे ले गया दूर तक ले गया पास लाया, जो पास लाया है तो मतलब आपके लिए अच्छा है पॉजिटिव है आपके फेवर में है, लेकिन जो दूर तक बढ़ा दिया इसका मतलब आपके एंटी है नेगेटिव है जी सर। तो बैरियर को नीचे आ रहा है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और बैरियर को ऊपर ले गया, बैरियर ये था पहले, ये बैरियर था तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, ठीक है। Produces free radicals and reaction of free radicals are fast. Reaction of free radicals are fast. So, free radical produce करता है
और फ्री रेडिकल के जो रिएक्शन होते हैं क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। फ्री रेडिकल के रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। जैसे हम लोग सी एच फोर है, यहाँ पर सी एच टू ये सन लाइट है, ये जो जाएगा सी एच थ्री सी एल ये सी एल
डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहेगा आपके एग्जाम में। प्रेशर रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। Which one of the following does not affect rate of reaction? Temperature, pressure, concentration, catalyst. Temperature, pressure, concentration, catalyst. Catalyst. क्या बोल रहे हो? Concentration. Gas के लिए क्यों? Pressure क्यों बोल रहे हैं? Gas नहीं समझे? Pressure किसके लिए है? क्यों gas है? बाकी सबके लिए लिखा गया है। ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इनके भी ध्यान रखें। By RDBS for bimolecular reaction. By RDBS for bimolecular reaction. किसने रिप्रेजेंट किया था? RDBS. किस रिएक्शन के लिए? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर समझो, कोलिजन थ्योरी में आर्हेनियस ने बताया कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास हमेशा रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में हमेशा कोलाइड करना चाहिए। आपस में क्या करना चाहिए? कोलाइड। बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं होगा। कोलाइड करना चाहिए और बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सारे कोलिजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कुछ विशेष कोलिजन ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। ठीक है,
इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मिनिमम मतलब एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए और दूसरा उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज़ें कम पड़ रही हैं तो रिएक्शन नहीं होगा, दोनों उस चीज़ें में से अगर एक भी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप लोग सभी बैठे हो, आपको नीट में सिलेक्शन लेना है, आप चाह रहे हो नीट में सिलेक्शन हो जाए, तो सिलेक्शन के लिए दो चीज़ें मतलब चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपके पास एक मिनिमम नॉलेज हो, मिनिमम का मतलब सबसे कम नहीं है, मिनिमम का मतलब जो बाउंड्री क्रॉस करने के लिए नॉलेज है। भाई एक लड़का होता है टॉप करता है, एक लड़का होता है बस बाउंड्री क्रॉस करेगा जिसकी रैंक अंतिम थी, अगर वो थोड़ा सा पॉइंट में भी कम नंबर पाया होता तो पीछे हो जाता, बाउंड्री की जरूरत है बेटिंग में आ जाता। तो बेटिंग वाला जो है वो उसके पास क्या था, मिनिमम नॉलेज नहीं था, बाउंड्री क्रॉस करने भर को नॉलेज नहीं था। मान लो 100 सीट है तो जिसकी रैंक 100 है, इसका मतलब उसने बाउंड्री क्रॉस किया है। जिसकी रैंक 1 है उसके पास तो बहुत नॉलेज था। ठीक है, तो बाउंड्री क्रॉस करने भर को नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इतना नॉलेज है आपके पास कि आप एग्जाम मतलब में बाउंड्री क्रॉस कर सकते हो, लेकिन तब भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये गारंटी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो आप एग्जाम हॉल में गए और 3 घंटे सो गए, आपने एग्जाम में कुछ लिखा ही नहीं, लिखते तो आपका सिलेक्शन हो सकता था लेकिन आपने लिखा ही नहीं, अब सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। नॉलेज तो था आपके पास लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आप एग्जाम नहीं दे। और दूसरा, आपके पास नॉलेज एकदम नहीं, एक गोला भरना आप चारों गोले भर के आए हो, प्रयास आपने बहुत किया कि क्या पता चारों गोले भरने पर कोई देख ले सही मान ले, अब सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, अब भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? चूंकि जो रिप्रेजेंट करना था वो प्रॉपरली आपने रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब नॉलेज आपके पास नहीं था, प्रयास आपने बहुत किया। तो ये सेम चीज़ है कि मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी, एक मिनिमम वैल्यू, उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू कहेंगे, होना चाहिए जिससे वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर सके। और दूसरा, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, दोनों चीज़ें होंगी तभी रिएक्शन होगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं। ठीक है, अब मिनिमम नॉलेज की बात जो की गई, एक मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप यहाँ, इसका भी दो पार्ट है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड नॉलेज कह सकते हैं, इसके भी दो पार्ट है थ्रेशोल्ड नॉलेज के या थ्रेशोल्ड एनर्जी के। एक एनर्जी की बात करें या नॉलेज की बात करें, नॉलेज की बात करते हैं तो इसके दो भाग हैं, एक काइनेटिक और एक एक्टिवेशन। जैसे आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपके पास थ्रेशोल्ड नॉलेज होना चाहिए, इसके दो पार्ट हुए काइनेटिक नॉलेज और एक्टिवेशन। काइनेटिक का मतलब जो लेकर चल के आप यहाँ आए हो, आपके पास कुछ नॉलेज है, ऐसा नहीं कि आप एकदम ब्लैंक हो, कुछ नहीं आता, कुछ नॉलेज है आपके पास, तो आपका अपना नॉलेज है, दैट इज काइनेटिक नॉलेज। और जो आपको एक्स्ट्रा सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि आप बाउंड्री क्रॉस कर जाओ, वो एक्टिवेशन वैल्यू है, एक्टिवेशन नॉलेज। वही सेम चीज़ है एनर्जी में, सेम चीज है एनर्जी में। ठीक है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है, एक सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए जिससे बाउंड्री क्रॉस कर जाए। अब उसके पास दो पार्ट हो गए, काइनेटिक एनर्जी मतलब अपने कुछ एनर्जी थी तभी तो मैदान में उतरा था, नहीं तो उतरता ही जी सर। अब पहुंच बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पा रहा है, अब कुछ एनर्जी देना पड़ेगा जिससे बाउंड्री क्रॉस कर, तो दैट इज एक्टिवेशन। ध्यान रखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर आपसे कहा जाए क्या है, तो आप कहेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ए मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल को भाग लेने के लिए उसके पास जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, होनी चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मस्ट पोजेस रखना ही रखना है उसको, और टेक पार्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है
दैट रिक्वायर्ड दैट इज एक्टिवेशन। आप बहुत बढ़िया समझ लो, ये मार्कर है मान लो 10 रुपए का, कितने का है 10, आप मार्केट में इसको खरीदोगे तो आपको 10 रुपए का मिलेगा। आप जाते हो दुकानदार से कहते हो कि भैया हमें मार्कर चाहिए, तो कुछ पैसा रखा होगा तभी तो गए हैं जी सर, कि बस खाली जेब लेके चले गए, खाली कुछ पैसा आप लेके गए थे जी सर, मार्कर खरीदना था। आप वहाँ दुकान पर पहुँचे, पूछे भैया कितने का है मार्कर, बोला 10 रुपए का है, तो इसका तो आपके जेब में अगर 10 रुपए होता तो आप इसको परचेज कर लेते हैं। तो इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 10 रुपए, जो आपके जेब में होना चाहिए। आपको कितना लेके जाना चाहिए था 10 रुपए, मान लो आप लेके गए 8 रुपए, अब मामला अटक गया नहीं अटक गया, अब आप परचेज नहीं कर पा रहे हो। गए सोच के गए थे मार्कर खरीदना है, 8 रुपए लेके गए थे, दैट इज काइनेटिक वैल्यू आपके जेब में था तभी गए, पता चला 10 रुपए का है, तो अब आप प्रोसेस में भाग नहीं ले पा रहे हो, मुंह लटका के लौट रहे थे, तभी कोई दोस्त मिल गया, क्यों भैया क्या हुआ, बताए उसको कि ऐसी ऐसी समस्या है, 2 रुपए हमारे पास कम पड़ रहे हैं, बोला 2 रुपए हम देते जा खरीद लो, तो 2 फिर अब आप जाओगे तो 2 रुपए उसने दे के आपको क्या किया, एक्टिवेट किया। 2 रुपए आपको दे के उसने क्या किया, एक्टिवेट किया, नहीं नहीं आप लौटो नहीं, आप जाके खरीद लो। तो जो रिक्वायर्ड कमी कितने की पड़ रही थी, 2 की, तो जो जहां रिक्वायर्ड शब्द बोल दिया जाएगा दैट इज एक्टिवेशन, और जहां पोजेज बोल दिया जाएगा मतलब जो रखना है दैट इज थ्रेशोल्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। आपने उसे बताया कि 2 रुपए की जरूरत है, बोला ठीक है 2 रुपए देते जा खरीद, बोलते 10 रुपए की 9 रुपए की जरूरत है, 1 रुपए लेके हम गए थे, तो हो सकता सोचता है कि 9 रुपए कहाँ से दें, ठीक है हम भी नहीं देते, हम लौट आते हैं, हम भी नहीं बोले कुछ बोलवे नहीं करेंगे, तब 9 रुपए देता एक्टिवेशन नहीं, तो एक्टिवेशन अब 9 रुपए देता तब आप फिर से लौटते ना, 9 रुपए सुन के वो भी पीछे हट गया, कौन दो वाले पड़े लौट रहा लौटने दो, है ना जी सर, तो अब वो आपको एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है लौटा और बाद में लेके जाना तो करेगा, तो कम वैल्यू थी तो देखे एक्टिवेट कर दिया, ज़्यादा वैल्यू है तो नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब हम लोग एनर्जी सुनते हैं तो लगता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन्हीं कहानी को लिखना है, लिखेगा मेन पॉइंट आ रहा है, मेन पॉइंट मेन पॉइंट्स आर एज पर रिएक्शन एंटर ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे ले लेना है, रिएक्शन अंदर ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्शन अगर ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर इफेक्टिव, फॉर कोलिजन टू इफेक्टिव मॉलिक्यूल शुड हैव threshold energy and it should be
प्रॉपरली मोटिवेटेड। इट शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड एंड इट शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। इफ क्वेश्चन इज इफेक्टिव then we send on the first convert into activated complex then into first convert into activated complex, then into activation energy, sir, threshold energy. पोजेज के नीचे डिपेंड करते हैं पोजेज के नीचे डिपेंड करते हैं threshold energy equal to kinetic energy plus activation energy activation energy minimum amount of energy that a molecule requires to take part in the complex minimum amount of energy that a molecule required to take part in the complex. Minimum amount of energy that a molecule required to take part in chemical reaction. ठीक भैया चले आगे तो activation energy is inversely proportional to rate of reaction. ध्यान दो हम क्वेश्चन ने लिखा वैसे समझा रहे हैं क्वेश्चन के रूप में ध्यान देना पर आपके न्यूमेरिकल रूप में क्वेश्चन बना हुआ है जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है कि पार्ट टू रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज ई ए वन एंड ई ए टू रिस्पेक्टिवली इफ ई ए वन इज ग्रेटर देन
देन व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन आर वन एंड आर टू, तो क्या हो जाएगा आर वन इज लेस देन आर टू, व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन के वन एंड के टू लेस देन के टू, व्हाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टू। दो क्वेश्चन आपके बुक में हुआ है, कहां है एक क्वेश्चन है दिखा रहा है सीधे आंसर बता रहा है कि दो रिएक्शन है जिनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली EA1 और EA2 है। अगर EA1 EA2 से ज्यादा है तो कभी पूछ लेगा कि R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, कभी पूछ लेगा K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा। तो R1 इज लेस देन R2, K1 इज लेस देन K2, क्यों भैया? क्योंकि K इंटरवल में है, डायरेक्टली क्वेश्चन को ब्रेक आउट। एक्टिवेशन और काइनेटिक में रिलेशन है वैसे एक्टिवेशन और काइनेटिक में रिलेशन है, एक्टिवेशन और काइनेटिक में एक्टिवेशन और काइनेटिक में रिलेशन, एक्टिवेशन जितना ज्यादा होगा काइनेटिक में उतना कम होगा वैसे रिलेशन, ठीक है? यहां पर हो गया तो ये दो न्यूमेरिकल तो ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दिया। अच्छा अब यहां पर एक ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ये एंडोथर्मिक के लिए है, किसके लिए है एंडो, ये ध्यान रखना आर है ये पी है बल्कि ए प्लस बी कहा जाए तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मानेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है? यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके दो पार्ट हो गए, काइनेटिक ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी थी, और यहां तक ये यहां ये ओरिजिन है मतलब एनर्जी जीरो है, तो यहां से लेकर यहां तक मतलब यहां पे है ना रिएक्टेंट, इसका मतलब यहां से इतने ऊपर है इसका मतलब कितनी एनर्जी थी अपने पास काइनेटिक, और ये वाइबर को क्रॉस करना चाह रहा था कितनी कम पड़ रही थी, तो आपने देख के कहा कि भैया जाओ आप रिएक्शन में भाग ले लो एक्टिवेशन, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहां ये फीडबैक दिया मतलब फॉरवर्ड, और ये जानना नॉट अ प्रोडक्ट का दिल हो कि हम फिर से रिएक्टेंट में चले जाएं, ये जाएगा ये भी ठीक है, तो बैकवर्ड ये दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा एच कहलाता है, क्या कहलाता है डेल्टा एच, ये क्या है रिएक्टेंट रिएक्शन एंड प्रोडक्शन, यहाँ पर जानना EAF यहाँ से यहाँ तक है, तो EAF यहाँ पर ग्रेटर देन है EAB से, और जानना ये डेल्टा एच है ऐसे देखो ऐसे अगर यहाँ पर पढ़ाओ ऐसे तो डेल्टा एच जो है ये EAF बराबर होगा डेल्टा एच प्लस EAB, तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा EAF माइनस EAB, और यहां पर इधर ना डेल्टा एच भी EAF से कम है, अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा एच और EAB में क्या रिलेशन है तो ध्यान देना ये डेल्टा जो एच है ये
ईएबी के पीछे आ रहा है। तो जब ईएबी के पीछे आ रहा है तो जब कोई जैसे आप आगे दौड़ रहे हो हम पीछे दौड़ रहे हैं तब कैसे पता चलेगा कौन तेज दौड़ रहा है? पता कब चलेगा? जब दोनों ऐसे पैरेलल दौड़ रहे हैं ना तब पता लगेगा कौन तेज दौड़ रहा है कौन धीरे दौड़ रहा है। तो ये ध्यान में रखना ये ईएएफ और डेल्टा एच ये पैरेलल दौड़ रहे हैं तो पैरेलल दौड़ रहे हैं इसका मतलब ये ज्यादा आगे दिख रहा है और ये पीछे दिख रहा है इसका मतलब छोटा है ये बड़ा है। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इन गिवन डायग्राम व्हिच इज करेक्ट रिलेशन या फॉर गिवन डायग्राम व्हिच इज करेक्ट रिलेशन। और कई बार डायग्राम में देता हूँ ऐसे फार एंड विथ हमें रिलेशन करेक्ट रिलेशन इज तो डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए एफ डेल्टा एच इज इक्वल टू ए ई ए बी डेल्टा एच इज ग्रेटर देन लेस देन ई ए एफ समझ रहे हैं? तो जित हम ध्यान है टाइम के पास उतरा है ना कि एक एक क्वेश्चन बना के सब कराए लेकिन ये सब किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर ही है जी सर समझ रहे हैं? तो करेक्ट रिलेशन क्या है इंडोथर्मिक के लिए कि डेल्टा एच ई एफ से कम छोटा है बाकी और कोई रिलेशन बराबर है ई एफ के नहीं डेल्टा ई एफ ई ए बी से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते क्यों चूंकि वो आगे पीछे ई ए बी के बराबर भले डायग्राम में देख लें डायग्राम बनाया हुआ एग्जैक्ट बराबर दिख रहा हो तब भी आप ऐसे खींच के ले जाओ पीछे पीछे आ गया ना तो बड़ा नापने का फिट लेकर सेंटीमीटर में नाप लो भले आपके फिट पे भी सेंटीमीटर में डायग्राम में एग्जैक्ट दिख रहा है तभी आप कहें बताओगे कि ये बराबर है आपको क्यों चूंकि आगे पीछे कंपेयर नहीं कर पाओगे कंपेयर जब पैरेलल दौड़ेगा तब पता ठीक है तो ये चीज है। और ये जो ये एनर्जी वैल्यू है एक जो के लिए यहाँ पर सब कुछ हुई यहाँ पर फिर से डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिख रहे हैं ई ए एफ माइनस ई ए बी लेकिन लिखना उल्टा चाहिए था लिखना चाहिए था ई ए बी माइनस ई ए फिर क्यों लिख रहे हैं क्योंकि डेल्टा ई ए बी ज्यादा है negative. और माइनस करेंगे तो नेगेटिव में डेल्टा एच आ जाएगा तो डेल्टा एच नेगेटिव रखने के लिए ऐसा वास्तव में यहाँ पर ई ए बी इज ग्रेटर देन ई ए एफ EAB is greater than delta H. किसके लिए? आप यहां पर देख सकते हो देख लो देखना बेटा अबकी डेल्टा H ऐसे खिसका दो यहां पर तो डेल्टा H EF के पीछे आ रहा है डेल्टा H क्या आ रहा है EF के पीछे आ रहा है डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा H मतलब यहां पर अगर कंपेयर किया जाए तो EAB ज्यादा है डेल्टा एच से मतलब या डेल्टा एच कह सकते हो कि EAB से कम है मतलब ये रिलेशन से होगा लेस देन यहां पर EAF से कंपेयर नहीं कर सकते डेल्टा एच का
PZF, PZ, collision frequency है, collision frequency है, P नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड है, यस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी सॉरी हैवी एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर एफ इक्वल टू होगा ई ए माइनस सॉरी यहां पर स्मॉल ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी जिसको बोल्ट डिवाइन इफेक्टिव भी कहते हैं क्वेश्चन बुक देखो हाँ क्योंकि ऊपर आ गया क्या वो क्वेश्चन बुक पूरा कहते हैं कि ये बोल्ट जमेंट फैक्टर ये पूरी क्वेश्चन अब यहाँ पर एफ की वैल्यू कर दें चलो जी सर चलो क्वेश्चन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन करंट रिलेशन इज तो क्या हो जाएगा हम जानो किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है मतलब यहां पर इस पॉइंट पे ध्यान देना रिएक्शन अगर ऐसा हो सॉरी फॉर ए रिएक्शन Find value of heat of reaction. तो क्या हो जाएगा? Delta plus 5. हमेशा EF minus EAB करेंगे? तो कितना आ जाएगा? अच्छा पूछा जाए कि ये endothermic है या ectothermic? तो value को अच्छी बात है
फॉर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली 200 किलो जूल एंड 180 किलो जूल ऑन यूजिंग कैट टेस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस बाय 100 किलो जूल फाइंड वैल्यू ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन -80 तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा कैटेस्ट करने का कोई फर्क नहीं है क्यों भैया इधर हम लोग अभी ये वैल्यू आपको पता है ऐसे ये ध्यान दो बेटा ये आर है ये पी है तो जब आप कैटेस्ट यूज कर रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी घट रही है तो ये क्यों घट रही है क्योंकि ये वैल्यू नीचे आ रहे को ऐसे तो ये पहले ये ऊपर वैल्यू हो रहा था नीचे वाला वैल्यू हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी इधर भी घट गई और इधर भी घट गई दोनों साइड में घटी ना बराबर तो 100 इधर घटी तो 100 इधर भी घटी तो 100 दोनों से घटाओगे तो 100 यहां से घटाओगे कितना हो जाएगा 100 तक 100 100 यहां घटाओगे तो 80 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा तो लिखिएगा ऑन यूजिंग कैटलिस्ट बोथ ईएएफ एंड ईएबी डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैटलिस्ट डिक्रीजेड आर इंक्रीजेड बोथ ईएएफ एंड ईएबी तो ईएएफ ई और ईएबी दोनों को या तो घटा देगा या तो क्या करेगा बेटा बढ़ा देगा मतलब किसी एक को नहीं करेगा अच्छा थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर गया ध्यान देना ईएएफ सॉरी ईए एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर थोड़ा सा पीछे लिखना दिखाना भूल गए थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर आल्सो अफेक्टेड बाय कैलकुलेशन इधर टेम्परेचर से कैसे नहीं इधर एक आप कह रहे हो अभी कब पढ़ाए थे डायग्राम हमें बताया नहीं थे लिखा तो नहीं है ध्यान दो आर है ये पी है ध्यान दो ये लिखा पहले समझ लो ये काइनेटिक एनर्जी है क्या है और ये एक्टिवेशन एनर्जी तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी जो मॉलिक्यूल यहां से यहां तक था ऊपर के मान लो यहां तक पहुंच गया तो जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी उतना क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो ये लिखा गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाए थे मैं पहले ना बेटा तो आज हम लोग इसको भी पढ़ लिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और क्या पढ़ लिया गया क्या पढ़ लिया गया बेटा रेट कांस्टेंट सॉरी कोलिजन थ्योरी तो कल हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये दो तीन हेडिंग कवर करने की कोशिश करेंगे उसके बाद फिर एक दिन दो दिन ऑर्डर लग जाएगा और क्वेश्चन लग जाएगा ठीक है तो जल्दी ही टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम लोग आते हैं आज का थोड़ा छोड़ के ठीक है थोड़ा